नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जय इन्फो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने रिसीव फॉर्म क्रिएट किया था, उसी फॉर्म में हम लोग रिसीव फॉर क्लाइंट पेज का कोडिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में आ चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो में स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के सीरीज का ये हमारा 28 नंबर वीडियो है। और यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के उन सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर हम लोग सबसे पहले जो है फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग कमांड लिखेंगे मॉडिफाई फॉर्म रिसीव। दोस्तों, यहां पर हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिसीव फॉर क्लाइंट पेज में कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग फॉर्म में एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म को सिलेक्ट किए, फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद न्यू मेथड, और यहाँ पर हम लोग मेथड का नाम देंगे जय न्यू, और उसके बाद ऐड कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फॉर्म के ऊपर में डबल क्लिक करेंगे और उसी मेथड में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे नीचे में आपको मिलेगा जय न्यू का, इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे एल पैरामीटर जय न्यू विथ दिस फॉर्म डॉट पेज फ्रेम वन डॉट पेज वन डॉट टेक्स्ट आर आई डी डॉट एनेबल इज इक्वल टू जय न्यू। और इसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी कर लेंगे, कॉपी लास्ट में आएंगे और कंट्रोल वी, उसके बाद हम लोग आर आई डी पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग सी नेम कर देंगे, उसके बाद सी टाइप, उसके बाद आर टाइप, उसके बाद आर अमाउंट, उसके बाद आर टाइम, लास्ट में आएंगे कंट्रोल वी करेंगे टू टाइम्स, टेक्स्ट मोबाइल एडिट अबाउट, लास्ट में आएंगे और एंड विथ कर देंगे और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस। और इसके हम लोग अगले इवेंट में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग इनिट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे गो टू बॉटम दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश दिस फॉर्म डॉट पेज फ्रेम वन डॉट पेज वन डॉट टेक्स्ट सी नेम डॉट सेट फोकस। और इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और इसके बाद हम लोग पेज ग्रुप को एडिट करेंगे, पेज वन में डबल क्लिक करेंगे और इसके एक्टिवेट इवेंट में कोडिंग करेंगे सिलेक्ट रिसीव गो बॉटम दिस फॉर्म डॉट रिफ्रेश। और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। और इसके बाद हम लोग कॉम्बो वन को सिलेक्ट करेंगे, इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और रो सोर्स टाइप में जाएंगे, वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, रो सोर्स में राइट क्लिक करेंगे, जूम करेंगे और यहाँ पर हम लोग देंगे आर आई डी कॉमा स्पेस सी नेम कॉमा मोबाइल। और उसके बाद जो है इसको सेव कर लेंगे ओके करके। इसके बाद इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसके इनिट इवेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कर देंगे दिस डॉट लिस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू वन। इसके बाद इसको सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, टेक्स्ट वन में डबल क्लिक करेंगे और क्लिक इवेंट में कोडिंग करेंगे दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोट टू टाइम्स। और इसके बाद इसको सेव कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे। इसके बाद फाइंड बटन में डबल क्लिक करेंगे और इसके क्लिक इवेंट में कोडिंग करेंगे सेट फिल्टर टू एफ फील्ड इज इक्वल टू दिस डॉट पैरेंट डॉट कॉम्बो वन डॉट वैल्यू इफ दिस डॉट पैरेंट डॉट कॉम्बो वन डॉट लिस्ट इंडेक्स ग्रेटर देन टू लोकेट फॉर एन एफ फील्ड इज इक्वल टू वैल ब्रैकेट ओपन दिस डॉट पैरेंट डॉट टेक्स्ट वन डॉट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। If found, set filter to and f field is equal to val bracket open this dot parent dot text one dot value bracket close. Go top this form dot refresh is message box bracket open double quote my record not found bracket close. And if locate for an f field is equal to alt trim bracket open this dot parent dot text one dot value bracket close. If found, set filter to an f field is equal to alt trim bracket open this dot parent dot text one dot value bracket close. Go top this form dot refresh is
मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन डबल कोट में रिकॉर्ड नॉट फाउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इफ और इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल डब्लू। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इन दो कमांड बटन में और इस कमांड ग्रुप में और उसके बाद जो है अगले पेज में कोडिंग करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।